जब हम विश्वास करते हैं कि आप जीवित हैं तो प्रभु आप हमें प्रतिफल देंगे प्रभु आपके खोजने वाले को आप प्रतिफल देंगे हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं प्रभु क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा आशा देने वाला परमेश्वर हमारे लिए हमें बचाने के लिए हमेशा हमेशा, हमेशा के लिए जीवित है प्रभु हम ये विश्वास के साथ इस आशा के साथ इस, के साथ इस जोश के साथ हम आपके पास आते हैं प्रभु धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु क्योंकि आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है प्रभु धन्यवाद 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 आइए धन्यवाद दे थोड़ी देर अपने मुंह को खोल के प्रभु आपका धन्यवाद आपके उपकारों के लिए धन्यवाद जो आपने हमें पूरे पूरे दिन समय आपने संभाल के रखा धन्यवाद 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 ओ प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यहोवा का धन्यवाद करे अपने सारे हृदय से वंदना करे उसकी फटकों में स्तुति करे आओ हम यहोवा का आओ हम यहोवा का आराधना खुदा बंद ये की आराधना आराधना हो आराधना खुदा बंद यशु की आराधना पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना पवित्र दिल से यीशु की आराधना आराधना।, आराधना आराधना हो आराधना खुदा वंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदा यीशु की आराधना ये कहेंगे शांति दाता की आराधना मुक्ति दाता यस yes, वो आराधना के योग्य है वो पूरे महिमा के योग्य है वो हमारा प्रभु जो जीवित है आइए हम उसकी देह उसके अंग होकर उसकी आराधना क्योंकि वो आराधना की योग्य है आज सुबह एक, एक सवाल मेरे मन में आया कि हम क्यों परमेश्वर की आराधना करें क्यों हम आराधना करें और वचन कहता है कि क्योंकि उसने हमें बचा, बनाया है उसने हमें बचाया है वो प्रभुओं का प्रभु वो स्तुति के योग्य परमेश्वर हमसे प्रेम करता है उस प्रेम का वो रिएक्शन है जो हम दे रहे हैं वो रिएक्ट हम कर रहे हैं जो परमेश्वर जो हमसे प्रेम किया है अपनी स्तुति के गीतों में आइए कहेंगे ओ राजाओं के राजा की आराधना प्रभुओं के प्रभु की आराधना आराधना हो आराधना हो, आराधना हो आराधना रावल यीशु की आराधना मेरे छुड़ाने हुए प्रभु आराधना हो आराधना देना यीशु की आराधना पवित्र प्रभु कहेंगे

आली कब्र कहती है कि हमारा छुटकारा देने वाला प्रभु जीवित हो गया है हम बचाए जाएंगे हम बदले जाएंगे हम जय पाएंगे हम उठ खड़े होंगे क्योंकि हमारे साथ हमारा परमेश्वर जैसा कोई भी नहीं है प्रभु ना इस धरती पे, ना इस पूरे ब्रह्मांड में आपको छोड़ और कोई आपके जैसा नहीं है परमेश्वर जो हमारा भला करे प्रभु आपने तो ये ठान लिया है कि हमारी भलाई करेंगे प्रभु इसके लिए धन्यवाद आपकी करुणा आपकी दया के लिए धन्यवाद जो प्रति भोर हमारे ऊपर नहीं हो जाती है लो ओ हमें बल दीजिए लो आप जीवित हैं हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर जीवित है धन्यवाद सारा आदर महिमा आपको देते हैं ईश्वर के नाम से You can try out the second mic. We'll settle down quickly. यस yes, आगे के कुर्सी भर देंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट का ग्यारह का एक से हम लोग शुरू करेंगे लेकिन वचनों में जाने के पहले हम लोग फिर एक बार प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं शाम के लिए आज फिर से हम में से हर एक से बातें कीजिए प्रभु हम आपकी आवाज को स्पष्टता के साथ सुन सके एंड लॉर्ड अगर अभी तक हमने एक तैयार मन के साथ यहाँ पे नहीं है तो लॉर्ड प्रार्थना करते हैं हमें धोइए प्रभु हम इस समय भी भाई और बहनों अगर परमेश्वर और हमारे बीच में कोई भी ऐसा बात है जो विवेक को भारी कर रहा है विश्वास के साथ अगर हम एक अच्छा विवेक को नहीं रखेंगे तो हमारा विश्वास डूब जाता है तो इस समय पवित्र आत्मा हमें मदद कीजिए अंगीकार करने के लिए पीछे छोड़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए हर एक निर्णय जो हमें विश्वास का लेना है उसे फिर से लॉर्ड अंगीकार करने के लिए लॉर्ड क्योंकि प्रभु हमें आपके साथ चलना है हमें आपके साथ सहमत होना है आपके वचनों के साथ सहमत होना है मसीह का मन के साथ सहमत होना है और हर एक भटकाने वाली आत्मा को हर एक ललचाने वाली हर एक सड्यूसिंग स्पिरिट को यहाँ पे बांधते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो यहाँ पे नहीं काम कर सकेगा और प्रार्थना करते हैं यहाँ पे लॉर्ड और जब भी लोग सुनेंगे लॉर्ड आपका आत्मा काम करेगा आपका दोधारी तलवार काम करेगा हृदय में खतना होगा इसलिए हम लोग मांगते हैं कि आप बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दीजिए नहीं तो हम अंधकार में रहेंगे और अपनी मूर्ता में बंधे हुए रहेंगे धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हैं मांगते हैं का यफ्ता नाम एट गिलियड ये गिलाद देश गिलान देश, के पूरब दिशा की ओर था यानी कि डांस से तक जो परमेश्वर ने कहा था वो रहेगा प्रतिज्ञा देश प्रतिज्ञा के, के लोग में से ढाई गोत्र गार्ड रूबेन और मानसे का जो आधा गोत्र था उन्होंने चुना कि वो यर्दन के दूसरे तरफ में रहेंगे गिनती का बत्तीस का एक और पांच मूसा को गिलाद सॉरी गाद रूबेन और मनसे के लोग आके कहते हैं रूबेन और गादियों के पास बहुत जानवर थे जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह ढोरों के योग्य देश है हाँ तब वर्स फाइव फिर उन्होंने कहा यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी नीच भूमि हो हमें यर्दन पार ना ले चल ये एरिया को गिलाद बोला जाता है राइट आ, ये जो शब्द आप देखते हैं ना इफ वी हैव फाउंड ग्रेस इन योर साइट इसका मॉडर्न इक्वेवलेंट है इफ यू लव मी पुराने समय में, अगर आपका अनुग्रह दृष्टि है आज के समय में तुम अगर हमसे प्यार करते हो तो दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड क्योंकि समय बदल गया तो अब वैसा भाषा कोई बात नहीं करता है बट वो इमोशन अभी भी हमारे अंदर है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो यहाँ पे देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं परमेश्वर से प्रभु अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो हमें पार मत ले जाइए हमें यही देश दीजिए क्यों क्योंकि ये देश हमारे भेड़ बकरी के लिए बहुत ही अच्छा है ये वो भेड़ बकरियों के चरने के लिए काफी था बहुत उनके पास ऑलरेडी काफी भेड़ बकरी थे और उनके भेड़ बकरियों के लिए ये काफी था भेड़ बकरी क्या है भेड़ बकरी उनके बेसिकली अर्थली ग्रोथ के लिए यू नो उनका ये जो पार्थिव शरीर और जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ जो हम बढ़ोतरी चाहते हैं वो हमें वन प्रदेश में नहीं, लेकिन बहुत बार देश के बहुत करीब मिलता है जस्ट आदमी चुन है ठीक है मैं, मैंने चालीस साल मैंने वन प्रदेश में बिताया मैं प्रभु के साथ चला हूँ प्रतिज्ञा देश यर्दन नदी के उस पार है जस्ट क्रॉस करने के पहले यर्दन नदी को जस्ट पार करने के पहले इस तरफ में वो देखता है मेरा बढ़ोतरी के लिए मेरा पृथ्वी पे बढ़ोतरी के लिए यहाँ पे काफी घास है मेरे भेड़ बकरियों को बढ़ाने के लिए यहाँ पे तो काफी कुछ है भेड़ बकरी क्या है ये वो चीज है जो आप स्वर्ग नहीं ले जा सकते हैं। आप अपना कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी को बहुत सारे ये सब चीजों को स्वर्ग नहीं ले जा सकते हैं। चाहे आप उनसे जितना भी प्रेम करें हम उन्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकते हैं यानी कि यहाँ पे गाद और माने से ये लोग का मन कैसा है इनका मन रूबनियों का मन ऐसा है कि हम अपने मन को बढ़ोतरी पर रखे हैं लेकिन क्या का बढ़ोतरी उन चीजों का बढ़ोतरी जिनको मैं यहां से स्वर्ग नहीं ले जा सकता हूं उन चीजों का बढ़ोतरी जिनको मैं स्वर्ग में अपने साथ पार नहीं ले जा सकता हूं नॉट यर्दन पर लेकिन मृत्यु पर मैं नहीं ले जा सकता हूं वो अपना भेड़ बकरी अपना लाइफ स्टॉक को नहीं ले जा सकते हैं लेकिन जब तक वो पृथ्वी पर है वो उन्हीं चीजों को बढ़ाना चाहते हैं You know, तीसरा का पहला पद में लिखा हुआ है कि प्रिय लोग मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ में उन्नति पाओ जैसे कि तुम्हारा प्राण उन्नति पाता है मतलब कि अगर तुम उन चीजों में बढ़ोतरी पा रहे हो जिसको तुम स्वर्ग ले जा सकते हो वैसा किस्म का बढ़ोतरी पा रहे हो जो स्वर्ग में तुमको बड़ा करेगा जो स्वर्ग में तुम्हें एक अच्छा नाम देगा स्वर्ग में एक, एक बड़ा पहचान देगा अगर यीशु ने बार बार कहा अगर तुम स्वर्ग में बड़ा पहचान चाहते हो अगर तुम स्वर्ग में बड़ा होना चाहते हो तो यहां पे, बन यहां पे पूरी तरह से छोटा छोटा से चोटा वचन पे चलो अगर तुम स्वर्ग में बड़ा कहलाना चाहते हो तो राइट ना हो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं यहां पे हम लोग जैसे वचन में हम लोग ने देखा कि अगर तुम्हारा प्राण बढ़ोतरी पा रहा है यानी कि उन चीजों में अगर तुम बढ़ रहे हो जिन चीजों को तुम स्वर्ग ले जा सकते हो जो तुम्हारे परमेश्वर जब तुम स्वर्ग में रहोगे तो वो चीज तुम्हारे अंदर दिखाई देगा स्वर्गीय वस्तु में तुम बढ़ रहे हो नया मनुष्यत्व में तुम बढ़ रहे हो तब अगर तुम्हारा भेड़ बकरी भी बढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तुम्हारा लाइफ स्टॉक भी बढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर सिर्फ तुम्हारा भेड़ बकरी बढ़ रहा है और जो तुम स्वर्ग ले जा सकते हो वो सब चीज अभी भी कम है आत्मिक रूप से तुम अभी भी गरीब हो अपने नए मनुष्य में तुम अभी भी, भी बहुत कम हो तो कोई फायदा नहीं है बाकी चीजों को बढ़ा के लेकिन इन्होंने एक ऐसा स्थान चुना जहां पे बाकी चीज में बढ़ोतरी होगा लेकिन नए मनुष्य में बढ़ोतरी नहीं हो सकता है इसलिए ऐसा स्थान नहीं चुनना है ऐसा नौकरी नहीं चुनना है ऐसा स्पाउस ऐसा हस्बैंड या वाइफ को नहीं चुनना है जहाँ पे हमारा शरीर खुश हो रहा है या हमारा संसारिकता और शारीरिकता खुश हो रहा है अर्थली प्रॉस्पेरिटी है फिजिकल अपियरेंस अच्छा है लेकिन वो स्थान या वो व्यक्ति या वो जगह मसीह का मन के अनुसार नहीं है क्योंकि मसीह का मन है कि आप नदी पार करें यर्दन पार करें और प्रतिज्ञा देश में रहे जहाँ पे आत्मिक उन्नति हो बाइबल मैं, मैं पास्टर से पूछता हूं कि पास्टर आप बता सकते हैं क्या कि एक भी एग्जाम्पल बाइबल में एक भी एग्जाम्पल बाइबल में एक धर्मी व्यक्ति का एक एक यू नो फेथफुल व्यक्ति का एक विश्वास योग्य व्यक्ति का बाइबल में एक भी व्यक्ति जिसको नौकरी के वजह से नौकरी के वजह से वो अपने मन के अनुसार नौकरी के वजह से रीलोकेट किया बिकॉज ये चीज हम लोग के समय में बहुत कॉमन है ना वहां जॉब मिल गया मैं वहां चल गया यहां जॉब मिल गया मैं यहाँ चल गया ये हम लोग इतना कॉमन चीज है लेकिन हम लोग कभी भी सोचते भी नहीं है कि चलो मैं इस बात को भी बाइबल से कंपेयर करता हूं है कि नहीं? कि क्या, किसी ने भी बाइबल में ऐसा किया था यूसुफ का एग्जाम्पल मत दीजिए क्योंकि वो अपने मन से नहीं गया था वो बांधा गया उसको बेच दिया गया राइट ऐसा नहीं था कि अरे यूसुफ सुने हो एक जॉब ऑफर है एक प्लेसमेंट खुला है तुम्हारे लिए <laughs> वैसा करके वो अप्लाई नहीं किया था मिस्र जाने के लिए राइट right? ना तो डैनियल अप्लाई किया था सो so एक्चुअली हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे देखिए कि एक भी ऐसा हम लोग नहीं पाते हैं या तो लोग भेजे गए राइट right? या तो उनको भेजा गया और तब वो लोग रिलोकेट किए या तो परिवार के वजह से रिलोकेट किया या तो प्रोसिक्यूशन के वजह से रिलोकेट किया परिवार वो भी विश्वासी परिवार समझे ये तीन कारण के वजह से लोग रिलोकेट किए हैं बाइबल में लेकिन आज हम लोग उस विश्वास का स्तर से बहुत नीचे आ गए हैं और ऐसे कई ऐसे एरिया हैं जहां परमेश्वर हमसे पूछते हैं जैसे एफिस कलिसिया से पूछे देखो कि तुम कहां से गिरे हो देखो कि बाइबल में लोग किस विश्वास का किस स्तर पे चल रहे थे और आज हम जो मसीही हैं आज किस स्तर पे हम लोग चलते हैं और फिर भी हम लोग बोलते हैं प्रभु की इच्छा मैं विश्वास से चल रहा हूं लेकिन एक्चुअली ना तो विश्वास से चल रहे हैं ना तो प्रभु की इच्छा है ये मसीह का मन नहीं है हम लोग बहुत सारे चीजों को बहुत सारे लोगों को अपने जीवन के लिए चुनते हैं जैसे गाद और रुबेनियो ने चुना था बस क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कि जो चीज हम पृथ्वी के पार नहीं ले आ सकते हैं जो सिर्फ पृथ्वी हमारा पार्थिव जीवन का जो बढ़ोतरी है बस उसी के अनुसार हम लोग चुनते हैं आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी नहीं आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी नहीं रिसेंटली मैं अपने एक अच्छे मित्र से बात कर रहा था जो फिर से रिलोकेट कर रहा है बच्चों का स्कूल डिसाइड हो गया है कहाँ रहना है डिसाइड हो गया है कौन सा चर्च जाना है वो डिसाइड नहीं है दिल भारी हो जाता है जब देखते हैं कि अच्छे मसीही ऐसा डिसीशंस लेते हैं बच्चों का स्कूल डिसाइड हो गया है कहाँ रहना है डिसाइड हो गया, गया है, है। जॉब डिसाइड हो गया है ट्रांसफर सब कुछ हो गया है लेकिन आत्मिक चीज डिसाइड नहीं हुआ है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये विश्वास करने मांग रहे हैं कि ये पर, ये भी परमेश्वर का इच्छा है कैसे परमेश्वर का इच्छा है ना तो सिर ना तो पैर कुछ परमेश्वर का इच्छा नहीं है आत्मिक चीज आत्मिक रूप से कुछ पक्का नहीं दिखाई दे रहा है सिर्फ शरीर के बातों में पक्के हैं हाँ आत्मा में बपतिस्मा पाए हाँ सेवा करते हैं हाँ ये सब कुछ है और अगर मैं कहूँगा कि यू नो यू नो हम लोग यू नो क्रिश्चियन बच्चों के लिए यू you नो know, उनको होम स्कूलिंग दे रहे हैं हम लोग यू नो इवेंजलिज़म कर रहे हैं और चर्च में जो जवान लोग हैं वो लोग भी जाके इवेंजलाइज करते हैं वो लोग भी जाके दूसरों को मजबूत करते हैं और प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड तब वो वो कह uh, मालूम हमें एक नया आईफोन थर्टीन लिए तो हम भी बोले हाँ प्रेज गॉड प्रेज इतना डिफरेंस जबकि एक समय हम लोग एक साथ जाते थे इवेंजलिज्म के लिए और हम लोग बताते थे कि मैं बताता था मेरे कॉलेज में मैं कैसे आत्माओं को प्रभु में ला रहा हूँ और वो बताता कि वो कैसे अपने कॉलेज में आत्माओं को ला रहा है क्या हो जा रहा है कैसे ये सब हो जा रहा है यही सब चीज़ को आज हम लोग देख रहे हैं मत सोचिए ये कुछ यू नो हिस्ट्री लेसन है संसार में कहावत है हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ बट एक्चुअली स्क्रिप्चर रिपीट इट जो हुआ है सुलेमान ने कहा वो फिर से होता है वो फिर से होता है स्क्रिप्चर रिपीट इट इसीलिए इसीलिए हमें सावधान रहना है क्या आप मसीह के मन के अनुसार चुनते हैं या अपना दृष्टि अपना शरीर और पार्थिव शरीर के लिए और पार्थिव जीवन के अनुसार आप चुनते हैं देखिए अगर आप मसीह के मन के अनुसार चुनेंगे ना उसके बाद चाहे जैसा भी परिस्थिति आपका जीवन में आए, आप आप इलाइज़ा जैसे पीछे हट सकते हैं और कह सकते हैं मैंने सब कुछ आपके वचन के अनुसार किया है अब आप आग भेजिए क्यों उसका विवेक साफ क्यों है एलिया का विवेक साफ क्यों है आपका वचन के अनुसार किया हम मसीह का मन के अनुसार अपने लाइफ में नहीं चुनते हैं तब फंस जाते हैं एक परिस्थिति में या एक व्यक्ति के साथ और तब बोल और तब प्रेर कर रहे हैं विश्वास का प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन विश्वास को एक और चीज़ का जरूरत होता है अच्छा विवेक वहाँ पे विवेक अच्छा नहीं है विवेक अच्छा कैसे होगा आप मसीह का मन के अनुसार नहीं चुने आप अपना इच्छा के अनुसार चुने आप अपना शरीर के अनुसार चुने, अपना अपना पार्थिव जीवन के अनुसार चुने तो वहां पे कैसे है? आप एक अच्छा विवेक तो आप मांग रहे हैं प्रभु आपका प्रॉमिस है ये आपका प्रॉमिस है वो आपने आप आप जाए रहा है, आप शबोत है, आप ये हैं आप, है और, और आप क्लेम कर रहे हैं और परमेश्वर का नाम को पुकार रहे हैं लेकिन आपके अंदर वो विश्वास पूरा आ नहीं रहा है और आप पक्के नहीं है कि परमेश्वर जवाब देंगे कि नहीं प्रॉब्लम कहाँ पर है बहुत बार प्रॉब्लम विश्वास का नहीं है प्रॉब्लम विवेक का क्योंकि आपको मालूम है अब आप खुद वहां पे फंस गए हैं क्यों क्योंकि आपने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे निर्णय और ऐसे ऐसे मार्ग और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को चुना जो कभी भी परमेश्वर का इच्छा नहीं था जो कभी भी परमेश्वर का इच्छा नहीं था और अब आप निकलने मांग रहे हैं लेकिन फंस जा रहे हैं क्यों आपका प्रेयर ज्यादा दूर तक जा नहीं पा रहा है आपको मान क्योंकि वहां पर विवेक बोल रहा है आपको वचन तो ले लेकिन मन नहीं फिरा हो तुम मन फिराओ तब विवेक शुद्ध होगा मन फिराओ मतलब क्या बताओ प्रभु को कि प्रभु मुझे याद है आप बोले थे जो ज्ञान मैंने पाया था उसके खिलाफ मैं गया मैंने मसीह का मन नहीं मैंने आदम का मन के अनुसार चुना मैंने लूत के जैसा चुना मैंने अप, मैंने प्रभु अपना इच्छा मैंने मैं अपना इच्छा में आगे गया और बस उतना कहा प्रभु प्रतिक्ञा दृष्टि ज्यादा दूर नहीं लेकिन फिर भी प्रतिज्ञा देश के बाहर तुमने चुना। लेकिन जब आपका विवेक सही रहेगा बोल पाएंगे प्रभु मैंने सब कुछ आपकी वचन के अनुसार किया है और तब परमेश्वर आप भेजेंगे क्यों? तब आपका विवेक और विश्वास दोनों एक साथ है वैसे ही जब आप पूरा दोष पाप के विषय में जब आप पूरा दोष परिस्थिति पर डाल देते हैं या आदम जैसे ये स्त्री जो तुमने दिया प्रभु क्या आदम क्या तुमने ये क्या तुमने वो चीज को खाया जो मैंने कहा था नहीं खाने के लिए ये स्त्री जो तुमने दिया परमेश्वर ये स्त्री जब आप पूरा ब्लेम को पूरा दोष दूसरा व्यक्ति को दोषी ठहरा देते हैं या पूरी तरह से परिस्थिति को दोषी ठहरा देते हैं और तब उसके बाद मतलब आ, लोगों के सामने समाज के सामने कलीसिया के सामने आ, प्राचीनों के सामने या पास्टर्स के सामने आप दूसरा व्यक्ति को दोषी ठहरा देते हैं और तब प्राइवेटली आप परमेश्वर के सामने जाएंगे और बोलेंगे लॉर्ड फॉर मी तो परमेश्वर पूछेंगे क्या के लिए <laughs> धर्मी को क्या जरूरत क्षमा का वो तो पापी को जरूरत है ना अब तो पूरा दू, दूसरा अगर दोषी है तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा तुम तो धर्मी हो तुम्हारे काम मैं याद रखूंगा कैसा लगेगा क्यों क्योंकि आप पूरी तरह से दूसरा को दोषी ठहरा है और अब बोलेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर मैं मैं क्या के लिए शमा चाहिए तुमको? मैं दूसरा को क्षमा करूंगा लेकिन क्योंकि तुमने खुद को दोष मुक्त किया तुम दोषी रहोगे लेकिन दूसरा व्यक्ति दोष मुक्त हो जाएगा चाहे वो एक नौकरी हो चाहे वो एक पत्नी हो चाहे वो एक अंगीकार हो पापों का अंगीकार हो हम लोग चुनते हैं अपने शब्दों को पति चुनते हैं पत्नी चुनते हैं हम लोग कहाँ रहना है वो चुनते हैं और हम लोग अपने शब्दों को भी चुनते हैं और परमेश्वर बोलते हैं तुमने अपना शब्द को चुन लिया तुमने दूसरों को दोषी ठहरा दिया तुमने खुद को धर्मी ठहराया अब तुम मेरे सामने आओगे माफी मांगोगे और मैं नहीं सुनूंगा क्यों क्योंकि जो दया नहीं दिखाए जो दयावंत है उनको दया मिलेगा लेकिन जो दया नहीं दिखाए जो दोषी ठहराए जो दया नहीं दिखाए उसको कहां से दया मिलेगा परमेश्वर का मन को समझिए सबके सामने दूसरों को दोषी ठहरा के एक प्राइवेट राइचनेस नहीं रह सकता है कि परमेश्वर वहां पे मुझे क्षमा कर देंगे नहीं 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 हमें परमेश्वर एक मनुष्य बना रहे हैं दुचिता मन नहीं चलेगा दुचिता जीवन नहीं चलेगा दोहरा जीवन नहीं चलेगा और जब इसराइल पे दुश्मन वार करता गो you टू know, लोग यानी जो नदी के उस पार थे वहां से दुश्मन आता क्यों क्योंकि उन्होंने चुना की हम प्रतिज्ञा देश परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलेंगे इसलिए सबसे पहले वही लोग बंधवई में जाते वही लोग बंधन में जाते वही लोग और नए नियम में इसीलिए वही लोग सबसे बार 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 बंधनों में जाते हैं बार बार पाप उन पर बार बार क्यों? नदी को पार नहीं किया वो आएंगे पार करेंगे और फिर वापस पार करेंगे रूबेन के लोग बोलेंगे ठीक है मूसा हम आएंगे और वापस भी इधर आ जाएंगे रीड 22 वर्स 10 एंड जब... 29 जब रुबेनी गादी और मनसे के आधे गोत्र गोत्रन के उस तराई में पहुंचे जो कनान देश में है तब उन्होंने वहाँ देखने की योग्य एक बड़ी बेदी बनाई uh, तब रुबेनियों, गादियों और मनसे के आधे गोत्र, गोत्र के ने इसराइल समझे क्या हुआ ठीक है, ये लोग गए। ने डांटा। तो थीके थीके हम लोग जाएंगे जाएंगे आप बोल रहे हैं जाने के लिए, लड़ने के लिए, लड़ने के लिए, तो लिए लड़ने लड़े, के, के, के बड़ा सा वेदी बनाए अब ये वेदी क्यों बनाए वर्ष ट्वेंटी से तब रूबेनियों गादियों और मनुष्य के आधे गोत्रियों ने इसराइल के हजारों मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया कि जो ईश्वरों का परमेश्वर है ईश्वरों का परमेश्वर यहवा इसको जानता है और इसराइली भी इसे जान लेंगे कि यदि यहवा से फिर के व उसका विश्वासघात करके हमने यह काम किया हो तो तू आज हमको जीवित ना छोड़ यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यह के पीछे चलना छोड़ दे व इसलिए कि उस पर होम बली अन बली व मेल बली चढ़ाए तो यहवा आप इसका हिसाब लें परंतु हमने इसी विचार और मनसा से यह किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह ना कहने लगे कि तुमको इसराइल के परमेश्वर यहवा से क्या काम क्योंकि हे रूबेनियों हे गादियों यहवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यर्दन को ठहरा थर दिया है इसलिए यहवाह में तुम्हारा कोई भाग नहीं है ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारी संतान में से यहवा का भय छुड़ा देगी इसलिए हमने कहा आओ हम अपने लिए एक बेदी बना ले वह होम बली व मेल मेल बली के लिए नहीं परंतु इसलिए कि हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे इसलिए कि हम होम बली मेल बली और बलिदान चढ़ाकर यहवा के समूह उसकी उपासना करें और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से या न कहने पाए कि यहवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं क्या था आर्ग्यूमेंट इनका कल तुम लोग सोचने लगोगे ये वेदी तुमने क्यों बनाई कल तुम लोग सोचने लगोगे कि हम लोग मसीही नहीं है हम लोग क्रिश्चियन नहीं है हम लोग परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं है क्योंकि हमने नदी नहीं पार किया क्योंकि हम नदी पार करके तुम लोग के साथ वास नहीं कर रहे हैं वो जो पुराना नियम में उनको एक जमीन दिया गया था नया नियम में हमें एक जीवन दिया गया है मसीह का जीवन वो आए थे जीवन देने के लिए जमीन देने के लिए नहीं जीवन तो एक जीवन है जो आपके लिए और मेरे लिए खरीदा गया उस जीवन में हमें रहना है वो नयापन का जीवन में हम प्रवेश करते हैं बपतिस्मा के द्वारा बॉन्ड अगेन होते हैं विश्वास करते हैं मन फिर आते हैं विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और तब हम लोग प्रवेश करते हैं वो नया जीवन में वो जीवन आपके लिए और मेरे लिए खरीदा गया था ओके वो होता है मसीही जीवन जिसके बारे हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में ये है वो जीवन जस्ट क्योंकि मैं वो जीवन नहीं जी रहा हूं कल तुम कहोगे कि मैं मसीही ही नहीं हूं ये लोग का यही आर्ग्यूमेंट है क्यों जस्ट क्योंकि मैं नदी के पार नहीं रहता हूं दान से बैर शिवा के बीच में नहीं रहता हूं जस्ट क्योंकि मैं परमेश्वर ने जो जीवन मसीह का जो जीवन मेरे लिए खरीदा गया है वो धार्मिकता का जीवन वो पवित्रता का जीवन वो जयवंत होने वाला जीवन जो मेरे लिए खरीदा गया है जस्ट क्योंकि मैं उस जीवन के सीमाओं के बीच में नहीं रहता हूँ मैं वो मेरा जीवन शैली नहीं है तो तुम कल कहोगे कि मैं मसीह नहीं हूं कि मैं अवर्ष्य पर नहीं हूँ कि मैं आराधक नहीं हूँ जस्ट क्योंकि मैंने चुना कि मैं उस जीवन में नहीं रहूंगा लेकिन उस जीवन के पास में रहूंगा लेकिन उस जीवन के बाहर रहूंगा हाँ ठीक है परमेश्वर ने कहा लिखा हुआ है कि दान और बीर के बीच में रहना है लेकिन ठीक है हम लोग ने परमेश्वर का जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया था हम उसके अधीन नहीं हुए तो क्या तुम, तुम तब बोल दोगे कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं ताकि तुम नहीं बोलो कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं हमने ये वेदी बनाया है हम लोग का क्रिश्चियन नाम है हम लोग भी चर्च जाते हैं चाहे वहां पर रेवल्यूशन हो चाहे नहीं क्यों ताकि तुम ये मत कहो बाद में कि मैं मसीही नहीं हूं हम लोग भी बाइबल पढ़ते हैं हम लोग भी चर्च जाते हैं हम लोग भी प्रार्थना करते हैं हम लोग क्रिसमस मनाते हैं ईस्टर मनाते हैं हम लोग चर्च लगातार जाते हैं लेकिन ये ये वेदी जो है ना ये क्या वेदी है ये एक झूठा तसल्ली है उद्धार का उद्धार का झूठा तसली इट्स अ फॉल्स अश्योरेंस ऑफ सेल्वेशन यू वॉन्ट टू सेव्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉट ये फॉल्स ऑल्टर पे तुम कल कहोगे कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं तो ये वेदी सबूत है कि मैं क्रिश्चियन हूं तो कम ऑन दिस साइड देन वेदी यहां पे बनाए और तब वहां रह रहे नहीं चलेगा इफ यू आर अ ट्रू क्रिश्चियन क्रॉस द रिवर गेट इन टू द लाइफ ऑफ क्राइस्ट लाइफ स्टॉक के लिए जीना छोड़ो ये वेदी के नीचे क्या है गीत गाना के नीचे क्या है ये ऑफरिंग देने के नीचे क्या है संडे वाला क्रिश्चियनिटी और क्रिसमस ईस्टर और संडे क्रिश्चियनिटी के नीचे क्या है तुम अभी भी भेड़ बकरी के लिए जी रहे हो तुम अभी भी संसार के लिए जी रहे हो इसीलिए बार बार तुम पाप में गिरते हो क्योंकि तुम नदी के इस पार नहीं आए हो अभी भी तुम नदी के उस पार रहते हो और बार बार जब कोई बोलता है कि तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है तुम बोर्ण अगेन नहीं हो तुम मसीह में नहीं हो तुम्हारा नया जीवन नहीं है तो तुम क्या दिखाते हो वही वेदी को दिखाते हो बोल के कि कल तुम देखो कल तुम बोलोगे ना कि मैं मसीह नहीं हूं तो ये लोग क्या करेंगे वेदी वेदी को दिखाएंगे ये वेदी उनका उधार का झूठा बन गया है बहुत लोग मसीहत में उद्धार का तसली पक्का पक्का करने मांगते अपना उद्धार को लेकिन ये गलत तरीका है ये कोई ये तसली नहीं देने वाला है किसी को उद्धार का ये फॉल्स ऑल्टर्स है स ऑफ सेल फॉल्स अश्योरेंस मसीही जीवन का बहुत लोग क्रिश्चियन लाइफ नहीं जी रहे हैं बहुत लोग क्रिश्चियन लाई जी रहे हैं झूठ। हमेशा बार बार वही झूठा वेदी की ओर उंगली उठाना क्यों क्योंकि हम लोग के पास इब्राहिम जैसे ताकत नहीं है अलग होने के लिए इब्राहिम को लोग इब्रानी बुलाते थे इब्रानी का मतलब जो नदी के उस पार से आया है हु हैज क्रॉस द रिवर हिब्रू का मतलब ही वो है हम लोग हिब्रू चाहते हैं कि हम मुझे भी क्या नाम रहे हिब्रू क्रिश्चियन लोग मुझे क्रिश्चियन कहे लेकिन बहुत लोग क्रिश्चियन नाम चाहते हैं लेकिन जैसे लोग इब्रानी नाम चाहते हैं लेकिन इब्राहिम जैसा विश्वास में निकलने नहीं मांगते हैं छोड़ने नहीं मांगते हैं नदी को पार नहीं करने मांगते हैं बहुत लोग में सौ बिल्कुल सॉल जैसा उनके अंदर वो ताकत नहीं है सारा सारा भेर बकरी को मारने का परमेश्वर ने कहा था सब कुछ सा, सारा भेर बकरी मार दो सॉल के अंदर कोई ताकत नहीं था लेकिन वो अपने लिए वो भी क्या किया एक मूर्ति बनाया वो भी क्या किया एक ऑल्टर पे वो बलिदान चढ़ाया राजा सॉल ये सब क्या है झूठा तसली सॉल को भी जरूरत था झूठा तसल्ली का क्यों उसके काम दिखा रहे थे कि उसका आज्ञाकारिता बेकार है कि वो पार नहीं कर पा रहा है वो भेड़ बकरी के लिए जी रहा है लोग को चाहिए उधार का तसली उधार में पक्का होना चाहते हैं अपना कॉलिंग में पक्का होना चाहते हैं बुलाहट में पवित्र आत्मा का अगुवाई में भी स्पष्टता चाहते हैं फ्यूचर डिसीशंस के लिए लेकिन कोई नदी पार नहीं करने मांगता है जो हमने पढ़ा था गिनती का बत्तीस में वहां पे क्या होता है कि मूसा आता है और डांटता है उनको क्योंकि जब वो लोग प्रेयर करते हैं ना वो लोग प्रेयर नहीं मांगते हैं कि आ, अगर आपका अनुग्रह दृष्टि है तो हमें यही देश का इस हिस्सा में रहने दीजिए तब मूसा उनको डांटता है मूसे का चेहरा लाल हो जाता है क्रोध से और वो उनको डांटता है और कहता है कि जो जो पाप तुम्हारे माँ बाप ने किया था अब उनके जगह में तुम आ गए हो तुम भी वही पाप दोहरा रहे हो वो स्टेटमेंट के बारे सोचिए जो मूसा ने कहा था आप में से कितने लोग ये अपना जीवन में देख रहे हैं कि माता पिता का जैसा बाइबल में लिखा हुआ है ना सिंस ऑफ द फादर इनिक्विटीज़ ऑफ द फादर पिता का जो अधर्म है वो आपके जीवन में भी दोहराया जा रहा है कि एज दे वजह से परमेश्वर नॉट सेइंग ऑल पेरेंट्स बट अगर आप जानते हैं कि आपके माता पिता वो प्रतिज्ञा देश वो मसीही जीवन नाम में मसीह ठीक है लेकिन आप जानते हैं कि वो जयवंत लोग नहीं थे वो रियली really अपने लाइफ में जय नहीं पाए पाप के ऊपर शैतान के ऊपर जय नहीं पाए उनका अनादर नहीं करना है ठीक है हम लोग किसी का अनादर नहीं कर रहे हैं लेकिन जैसा परमेश्वर बात करते हैं नया नियम में जैसा जीवन रहना चाहिए और एक जयवंत व्यक्ति जैसा चलता है वैसा जीवन नहीं था तो क्या आप देख पाते हैं कि जो उनके गलती थे जो उनके पाप थे जो उनके अधर्म थे आपके जीवन में फिर आ रहे हैं क्यों क्यों मूसा इसी वजह से उनको डांटा तुम्हारे पेरेंट्स गाद रूबेन तुम्हारे पेरेंट्स भी यहीं पे आए थे 40 साल पहले और उन्होंने देखा और क्या कहा हमें नहीं जाना है हमें नदी नहीं पार करना है चालीस साल बीत गया है अब तुम अपने पेरेंट्स के जगह में खड़े हो वही पाप तुम लोग भी कर रहे हो डू यू सी वही फंदा जो बहुत लोगों के पेरेंट्स में काम आया बच्चों में भी वही फंदा में फंस जा रहे हैं कब तक ये पीढ़ी पे पीढ़ी पे पीढ़ी शैतान वही वाला चीज में फेल करते जाएगा मसीही लोगों को कब तक कब तक चलेगा कब हम लोग फाइनली कहेंगे बहुत हुआ अब मैं आदम में नहीं हूं मैं मसीह में हूं अब मैं जय पाऊंगा अगर आपका डैड कैंसर से मरा तो आप कैंसर से मरना चाहते हैं क्या डैड को अगर पोलियो था आप चाहते हैं कि आपका भी पोलियो हो डायबिटीज हो कौन बच्चा चाहता है नहीं लेकिन वही चीज आत्मिक रूप से आप क्यों नहीं देखते हैं कि अगर हम लोग देखे हैं कि वहां पे कहीं बहुत सारे एरियाज में पेरेंट्स सेपरेट नहीं कर पाए जय नहीं पा सके बड़े भाई बड़े बहन लोग जय नहीं पा सके तो हम लोग भी वहीं पे रुक जाते हैं और बोलते हैं ठीक है वो लोग भी जय नहीं पाए मैं भी ऐसे ही रहूंगा क्यों क्यों मैं जय पाना चाहता हूँ जस्ट लाइक बच्चे नहीं चाहते हैं कि उनके परिवार में जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर आए वैसे ही मैं नहीं चाहता हूँ कि जो आप और अधर्म में और जहां कहीं पे मेरे पेरेंट्स रुक गए आत्म, आत्मिक रूप से कि मैं भी वहां रुक जाऊं मैं नहीं रुकना चाहता हूं मैं आगे बढ़ना चाहता हूं मैं आगे बढ़ना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह पूरा अपना जीवन दिए अपना लहू आखिरी बूंद तक बहा दिए और मैं नहीं रुकना चाहता हूं जो कुछ भी वो मेरे लिए खरीदे हैं दान से लेके बरशीवा तक वो पूरा मैं चाहता हूं क्यों क्योंकि मेरे लिए दाम दे चुका गया है मैं क्यों उसको त्याग दू गाद और रूबेनियो ये ऐसे विश्वासी हैं कि उनका ग्रेटेस्ट एंड ओनली मोटिवेशन उनका मेन प्रेरणा और एक ही प्रेरणा है उनका मूसा और मूसा का डांट अगर मूसा नहीं रहेगा क्योंकि उनके अंदर मसीह का मन नहीं है अंदर से अगुवाई नहीं है कि मुझे पार करना है मूसा रहेगा हाथ में लाठी है <laughs> पहले भेड़ के लिए इस्तेमाल करता था भी लोगों के लिए इस्तेमाल करता है और वो लोग देखें ताकत तो इसका है एक मुक्का से एक मिसरी को मार दिया था तब एक बार लाठी चलाया तो पत्थर टूट के पानी निकला अपना गुस्सा में क्या कर देगा लाठी के साथ मूसा का डर के वजह से ठीक है हम लोग पार करेंगे मूसा का डांट के वजह से ठीक है हम लोग पार करेंगे कितने लोगों का मोटिवेशन इज जस्ट बिकॉज परमेश्वर सामने में एक मूसा रखता है जो डांटते रहता है लेकिन अंदर में मसीह का मन नहीं बनाया कब तक मूसा रहेगा मूसा का पीढ़ी उसके साथ खत्म हो जाएगा लेकिन जिनके अंदर मसीह का मन है हम हमारे अंदर मसीह का मन रहना चाहिए नॉट सिर्फ मूसा का डांट या सिर्फ मूसा का चेहरा मूसा का चेहरा का डर के वजह से नहीं नहीं कब तक मूसा का चेहरा का डर कब तक मूसा का डांट से काम चलेगा परमेश्वर भी रुके हुए हैं कि कब हम लोग के अंदर मसीह का मन फॉर्म होगा कि हम लोग खुद चाहेंगे कि अगर मेरे पास्टर नहीं डांटे अगर वो उनको पता नहीं भी चले फिर भी मैं अंगीकार करूंगा फिर भी मैं क्रॉस करना चाहता हूं फिर भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूं मुझे कोई पकड़ ले किसी का चेहरा का डर किसी का डांट के वजह से नहीं लॉर्ड मैं चाहता हूं कि आपका मन मेरे अंदर हो नॉट स्ट पास्टर के अंदर मेरे अंदर हो आप में से कितने लोग रियली really ये चाहते हैं कि बस व्यवस्था के अधीनता में चलते रहे डांट मार डांट मार डांट मार में ही चलते रहे और कितने लोग रियली really चाहते हैं कि लॉर्ड मैं परिपक्वता चाहता हूं लॉर्ड Yes, Lord, I thank you कि कि यस लॉर्ड आई थैंक यू आपने चरवाहे दी आपने ये सब कुछ दिया डांट सब कुछ है लॉर्ड लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ के बावजूद भी मेरे अंदर ये सब कुछ के द्वारा, ये सब कुछ के द्वारा मेरे अंदर आपका मन फॉर्म हो जाए आपका सच्चाई मेरे हृदय की गहराइयों में फॉर्म हो जाए बट थैंक गॉड एटलीस्ट वो लोग परमेश्वर का दास का भय मानते हैं और डांट सुनते हैं उन लोग को आई थिंक गाना चाहिए इंस्टेड ऑफ मांगोगे तुम्हें मिलेगा डांटोगे तो मैं मानूंगा <laughs> मारोगे मैं सुनूंगा वही मोटिवेशन है बट एटलीस्ट डांट सुनते हैं एटलीस्ट मनुष्य का डर से चलते हैं मैन ऑफ गॉड का डर से चलते हैं तो दैट इज वो एक गुड क्वालिटी है कि वो लोग एटलीस्ट सुन के पार किया बट उनका दिल संसार से जुड़ा हुआ है संसार के संसार ने मोह लिया है उनके मन को वो बोलेंगे प्रभु आप मुझे इस्तेमाल कीजिए और मैं भी आपको इस्तेमाल करूंगा आप जाके लड़ने के लिए मैं जाऊंगा मैं लड़ूंगा फिर मैं वापस आऊंगा और आप मुझे यहीं पर आशीष दीजिए मुझे वहां नहीं रहना है वो लोग याकूब हैं लेकिन इसराइल नहीं बने हैं अभी तक उत्पत्ति का 28, 19 से 22. और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा पर उस नगर का नाम पहले लूज था और याकूब यानी कि परमेश्वर का घर बेत मतलब घर एल मतलब परमेश्वर और याकूब ने यह या मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रह कर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल छेम से लौट आऊँ तो यह मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खम्बा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दस मांस मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा या, गो, गो तु और याकूब ने यह या मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा रोटी पहनने के लिए कपड़ा और यीशु ने कहा क्या खाओगे क्या पहनोगे उसका चिंता करते रहो याकूब जैसा नहीं और ये कौन लोग ये सब चीज़ का चिंता करते हैं मती का छे में लिखा हुआ है अन्य जाति अन्य जाति एक इब्रानी के अंदर अन्य जाति का मन याकूब लेकिन उसका कमिटमेंट भी है वो कहता है ये जगह जो परमेश्वर का भवन है मैं यहाँ फिर आऊँगा मतलब वो अपना कमिटमेंट दे रहा है अटेंडेंस के लिए परमेश्वर का भवन में वो आएगा बस उतना ही नहीं वो दशवांश भी देगा प्रेज गॉड हम हम बहुत बड़ा विश्वासी हैं हैं और दशवांश देते ब क्रिश्चियन बाद में ये इजराइल बनता है फिर से परमेश्वर उसको बेथल में लाते हैं उत्पत्ति का 35 का एक से चार ये पहली बार वो परमेश्वर का भवन में ठीक है याकूब परमेश्वर के भवन में अब उत्पत्ति का पैंतीस में फिर से याकूब लेकिन अब वो इसराइल परमेश्वर के भवन में रेट? तब परमेश्वर ने याकूब से कहा यहाँ से कूच करके बेतेल को जा और वहीं रहे और वहाँ ईश्वर के लिए वेदी बना जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई ऐसाओ से डर के भाग जाता था तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से जो भी उसके संग थे कहा तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से कूच करके बेतिल को जाए वहाँ मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊँगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा सो जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको ए उस सिंदूर ब्रिज के नीचे जो सेकेम के पास है गाड़ दिया सी hmm. अगली बार जब याकूब बैथल में है पूरा मन फिराना पूरा रूप से मन फिरा रहा है मूर्तियों को हटाया मन फिराना है अपने आप को शुद्ध करो शुद्धिकरण है बस उतना ही नहीं अपने वस्त्रों को बदलो और उन्होंने अपने अपना इयररिंग्स और वो सब कुछ यानी कि ऐसा मन फिराव अंदर भी बाहर भी तब रियली पता चल रहा है आदमी मन फिराया है कि नहीं अगर मन फिराना एक व्यक्ति का स्टाइल में बदलाव नहीं ला रहा है जवान व्यक्ति का खासकर दे हैव नॉट रिपेंटेड दे हैव नॉट रिपेंटेड यू कैन कॉल मी लीगलिस्ट बट ये परमेश्वर का वचन है इफ रिपेंटेंस रिपेंटेंस इनके वस्त्रों में भी बदलाव लाया रिपेंटेंस इनका इयर और ये सब सारे चीज़ों में बदलाव लाया ये पॉपुलर डॉक्ट्रिन नहीं है इट डज नॉट मैटर हमने चर्च का डॉक्ट्रिन से ज्यादा परमेश्वर का वचन को ऊंचा उठाना है परमेश्वर का वचन के अधीन होना है और यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्लियरली दिया गया है परमेश्वर का वचन क्लियरली दिया गया है कि इन्होंने इस रूप से मन फिराया कि पूरा बदलाव आया देख रहे हैं दोनों बार याकूब बैथर में है लेकिन दोनों के बीच में दोनों बार के बीच में कितना बड़ा अंतर है कितना बड़ा अंतर है दैट इज वॉट गॉड वॉन्ट्स ये है परमेश्वर का वचन जब पर जब आप पार करते हैं वो नदी को पार करते हैं परमेश्वर आपको पूरी तरह से तोड़ते हैं याद रखिए जब ये नदी को पार किया जब याकूब ने नदी को पार किया पेनियल में वो वो नाला को पार किया तब परमेश्वर उसके साथ मुलाकात किया परमेश्वर उसे तोड़े उसके बाद देखते हैं जब वो बैथल जा रहा है पूरी रूप से मन फिरा के जा रहा है तब आपका चर्च लाइफ बिल्कुल बदल जाता है तब आप एक तैयारी के साथ एक गंभीरता के साथ एक एक मन फिराते हुए गहराई के साथ आपका मन में गहराई के साथ आप आते हैं परमेश्वर के भवन में आपका रूप आपके वस्त्र सब कुछ में बदलाव आता है साइडोर वे इजराइलाइट रिवर को क्रॉस किया वो था जबकि जब गिला इनमें से कोई विवाह करके उधर जाता मतलब यू आर अ पर्सन यू डिड नॉट क्रॉस द रिवर बिलीवर लेकिन नदी पार नहीं किया यू मैरिड समबडडी जो नदी पार किया और अब वहां रह रहे हैं उसके पास है विश्वास वो जीवन जीने का आपके पास कभी वो विश्वास नहीं था नदी पार करके जीने के आप जाते थे आते थे जाते थे आते थे लेकिन विवाह के बाद क्या हो जाता है जाके रहना है तो उस समय क्या करना है जस्ट सबमिट जो उस पार जीता है और सीख गया है वैसा जीवन कैसे जीना है उसके बस चुपचाप उसके अधीनता में रहो क्यों वो विश्वास का वो जीवन जीना सीख गया है शुरू में डर लगेगा मैं यहाँ पे इतना बिलीवर इतना ये के साथ मैं फेथ के साथ कैसे जी पाऊंगे ऐसे ऐसे परिस्थिति में नो प्रॉब्लम

एंड एक और चीज़ को नोटिस कीजिए कि ये लोग गिलाद के लोग अपना झील में अपना जोश में वो लोग जो भी काम किए वो लोग ये जो वेदी को बनाए ये लोग ये ये रिलीजियस वर्क को जो ये लोग बनाए उससे बस इसराइल में गड़बड़ी आया बाकी इसराइली लोग आए और ऑलमोस्ट लड़ाई हो गया था ऑलमोस्ट युद्ध हो गया था उन्होंने उनके सारे गिलाद के लोगों के सारे रिलीजन के काम मिनिस्ट्री के काम इसराइल में झगड़ा और गड़बड़ी लाता है उनको लग रहा है वो बहुत बड़ा मिनिस्ट्री कर रहे हैं उनको लग रहा है वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर के नज़रों में क्या है गड़बड़ी और इसराइल में बस गड़बड़ी इसराइल में कन्फ्यूजन और गड़बड़ी हो रहा है जो काम इनको बोला जाता है करने के लिए वो नहीं करते हैं जो काम में जो काम के लिए वो इच्छुक नहीं है उसके उसमें डांटा जाता है धमकी दिया जाता है तब वो लोग वो काम करते हैं लेकिन जो काम वो लोग खुद करते हैं वो बस हेड लाता है वो बस और झगड़ा लाता है ये वैसे वैसे काम है जिसके बारे पॉलूस ने कहा था तुम्हारे काम उस दिन आग से परखे जाएंगे और बहुतों का काम जल के राख हो जाएगा ये एक ऐसा विधि है जो जल के राख हो जाएगा गिलाद के लोग जो काम करेंगे जो धर्म के काम करेंगे परमेश्वर उसको बस जला के खत्म कर देंगे उसका कोई भी कुछ भी स्वर्ग नहीं जाने वाला है क्यों क्योंकि उनका पूरा ध्यान है पृथ्वी में बढ़ने का इसीलिए वो कभी भी एक ऐसा काम उत्पन्न ही नहीं कर पाएंगे अपने जीवन से जो उसको स्वर्ग ले जा पाएंगे और वो स्वर्ग कैसा प्रवेश करेंगे खाली कुछ नहीं बस आग से जस्ट बचे जैसे पहला जो तीन में लिखा हुआ है वो स्वर्ग कैसे पहुंचेंगे उनके सारे काम जल जलाए जाएंगे सब खत्म हो गया लेकिन वो खुद बस बच गया लूत बच गया और कुछ नहीं बचा सका परमेश्वर का दया था कि तुरंत दाऊद जिंदगी में जिगलाक को जला दिए और बहुत लोग जो काफी तक का मन क्योंकि तुम्हारा वेदी के नीचे मुझे दूचिता मन दिखाई देता है क्योंकि तुम्हारा वेदी के नीचे मुझे दिखाई देता है कि तुमको भेड़ बकरी का ही चिंता है तुमको रोटी कपड़ा मकान का चिंता है तुम्हारा वेदी के नीचे मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम तुम वापस नदी को पार करके उसी तरफ चल जाओगे गिला देश में चल जाओगे इसलिए वैसा मत रहिए राजा उजा को याद रखिए उसके मन में आया वो जो भी राजा है उसके मन में आया मैं याजक के जैसे मैं धूप दान चढ़ाऊंगा मैं धूप की वेदी के पास जाऊंगा और धूप चढ़ाऊंगा परमेश्वर के लिए वो दिन उसके वो कोड़ी बन गया वो दिन वो कोड़ी बन गया बहुतों का मिनिस्ट्री परमेश्वर रिजेक्ट करते हैं इसी कारण से क्यों क्योंकि मन में कुछ और है पुराने नियम में राजाओं को बोला गया था बाइबल का एक पर्सनल कॉपी रखना सबको बाइबल का एक पर्सनल कॉपी रखना है वचन को पढ़ो और खाते जाओ जाओ उसको उसको जाओ। और यौना प्रेरित को को बोला गया कि वचन को खाओ वचन को खाओ वचन को खाओ नया नियम में हम लोग सब बोले गए हैं कि वी आर किंग्स एंड प्रीस हम लोग राजा और याजक हैं परमेश्वर के लिए हमारे पास बाइबल है और जैसे पुराने राजाओं के पुराने समय के राजाओं के पास कम से कम एक भविष्य वक्ता रहता था एक समय था जब ढेर सारे भविष्य वक्त थे लेकिन उसके बावजूद भी एक ही सच्चा भविष्य वक्ता था राइट वैसे ही नया नियम में भी हमारे पास बाइबल है जैसे पुराने नियम में उनको बोला गया था एक पर्सनल कॉपी रखना बाइबल का अपने पास नए नियम में भी हमारे पास बाइबल है पूरा बाइबल है और हम लोग चुने गए हैं राजा बुलाए गए हैं राजा बनने के लिए और साथ ही साथ परमेश्वर हमें अपने पवित्र ईशु ने क्या दिया है भविष्य वक्ता अपने दास दिए हैं अपने दास दिए कोई एक व्यक्ति जिसको हम अपना जो हमारे लिए परमेश्वर के सामने खड़ा रहे और परमेश्वर के लिए हमसे बातें करते रहे नॉट एज मीडिएटर एज शेपर्ड एक चरवाहा के रूप में प्रिस्ट के रूप में नॉट एज अ मीडिएटर मीडिएटर के रूप में नहीं मीडिएटर सिर्फ यीशु मसीह लेकिन जैसे पुराने समय के राजा थे वो लोग बस इग्नोर किए जो लिखा हुआ है उसको ध्यान नहीं दिया वैसे ही गाद और रूबेन के लोग जो बार बार लिखा गया है दान और बिरशिबा के बीच में तुमको जगह चुनना चाहिए दान और बिरशिबा के बीच में उन्होंने वो जगह नहीं चुना उन्होंने वो जगह नहीं चुना अगर उन्होंने बार बार वचन को पढ़ा होता तो चाहे जितना भी खूबसूरत वो जमीन दिख रहा है जितना भी उपजाऊ वो जमीन दिख रहा है जितना भी उन्नति दिखाई दे रहे हैं उनको कि यहाँ इस जमीन में हो सकता है जब वहां तक पहुंचे होते और अगर उन्होंने लगातार वचन को सुन रहे होते सुन रहे होते मेडिटेट कर रहे होते तो जब टेम्पटेशन आता तो वो इनकार कर देते लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया दैट इज वॉट हैपन्स अगर हम लोग के अंदर वचन नहीं भरा रहेगा दिस दिस ऑलवेज हैपन्स अगर आप लगातार वचन पे मेडिटेट नहीं कर रहे हैं तो लड़के लोग के लिए क्या होगा एक ऑफर आएगा कूद जाएंगे लड़कियों के लिए क्या होगा एक प्रपोजल आएगा कूद जाएंगे या रिजेक्ट कर देंगे सब शरीर के अनुसार आत्मा के अनुसार नहीं क्यों अंदर में वचन नहीं है और अनदर थिंग कैन हैपन अगर आप लगातार हफ्ता भर वचन पे मनन नहीं कर रहे हैं और लगातार जैसे परमेश्वर के फॉर एग्जाम्पल जो चर्च में जो वचन प्रचार किया गया है रिकॉर्ड किया जा रहा है क्या के लिए दुनिया के लिए नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल चर्च के लिए और आप लगातार वचन को जो भविष्यवाणी किया जा रहा है जैसे पुराने नियम में उनका पर्सनल प्रॉफिट्स था हर एक राजा के लिए तो वैसे आप लगातार वचन को हफ्ता भर सुन नहीं रहे हैं अगला संडे आप, आपको अगला संडे आपको ठोकर लगेगा आई गारंटी यू जो लोग वचन नहीं पढ़ते हैं हफ्ता भर संडे संडे वो आते हैं क्या क्या होता है संडे संडे वचन कर देता है आप लगातार वचन सुनिए आई चैलेंज यू आप लगातार वचन पढ़िए और जो प्रचार है उसको लगातार सुनते रहिए हफ्ता में अगले संडे वचन आपको वचन वचन वही वही रहेगा वक्ता वही रहेगा वचन ब्लेसिंग रहेगा वक्ता ब्लेसिंग आपके लिए आप वचन नहीं सुनेंगे तो बहुत जोर से चोट लगेगा आप अपना विवेक साफ नहीं रखेंगे तो बहुत जोर से चोट लगेगा एमओस में आई थिंक में परमेश्वर बोले हैं डू नॉट माई वर्ड्स डू गुड टू दो जो सीधा मार्ग पकड़े हैं क्या मेरा वचन उनके लिए भला नहीं है हम लोग सीधा मार्ग में नहीं चलेंगे हम लोग परमेश्वर के साथ चलेंगे नहीं हफ्ता भर और संडे को क्या होगा ठोकर लगेगा एंड तब तो हम लोग बोलेंगे परमेश्वर मुझे ठोकर लगा इसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा हाँ क्योंकि तुमको इसीलिए ठोकर लगा वो भी तुम तुम हम बहुत बार हम लोग का जो अंगीकार है ना कि प्रभु मुझे ठोकर लगा मुझे बुरा लगा वो खुद परमेश्वर वही चीज को इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे इसीलिए तो तुम दोषी हो क्यों तुम वचन को लगातार सुन नहीं रहे हो तुम लगातार भविष्यवाणियों में बढ़ नहीं रहे हो आई एम नॉट फ्यूचर वाला भविष्यवाणी लेकिन जो प्रॉफिट आके जो बोलता था यू आर दैट मैन वो किस्म का भविष्यवाणी जो नेथन आके दाऊद को बोला तुम पापी हो वो भविष्यवाणी में तुम बढ़ नहीं बढ़ नहीं रहे हो पवित्र आत्मा का उल्लाना में तुम बढ़ नहीं रहे हो और तब संडे आओगे तो ठोकर लगे और जब बोल रहे हो तुम ठोकर लगे तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा तुम्हारा ये जो इनकंसिस्टेंसी है पूरा हफ्ता में तुम्हारा दुचिता मन जो तुम खाली रहते हो उस वजह से तुमको संडे संडे ठोकर लग रहा है और वचन साफ नहीं कर पा रहा है क्यों एक दिन आप वचन से एनकरेजमेंट नहीं पाए इब्रानियों का तीन का तेरह में लिखा हुआ है मन कठोर हो जाता है नो नोनी टू गो गोदर मन कठोर हो जाता है पाप का छल से मन कठोर हो जाता है डू यू वांट टू रिस्क इट इट्स यू शुड नॉट ट्राई इट एज एन एक्सपेरिमेंट ठीक है जब मैं प्रभु में पहला साल उधार हुआ था पास्टर जब बोलते थे तुम देख लेना अगर तुम लोग मूवी देखोगे उसके बाद बाइबल पढ़ने का कोशिश करो नहीं मिलेगा रेवलेशन मिल लेना ऐसा थोड़ी होता है क्या रिलेशन है तो हम डिसाइड किए चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं सो so, डोंट डू do थिंग्स लाइक like दैट नहीं डिसाइड ठीक है मूवी देखेंगे और उसके बाद ठीक है मूवी बंद हुआ अब हम खोल रहे हैं नहीं मूवी का एक्शन सीन या जो भी है चल रहा है चल रहा है पूरा फाइट उट चल रहा है और हम बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन मन में मूवी चल रहा है सिमिलरली आप वचन नहीं पढ़ेंगे संडे ठोकर लगे गए पुराने नियम में कितने राजा थे जो परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के के, के भविष्य वक्ताओं से लगातार ठोकर खाते गए हिस्ट्री स्क्रिप्चर इट से पहला का दस का ग्यारह और बारह में लिखा हुआ है पढ़ना परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी हाँ, और ये सब बातें हमारे लिए लिखा हुआ है उनका जीवन हमारे लिए एक उदाहरण एक दृष्टांत बन गया है जो भी उनका जीवन सच है जो भी जेवता था जो भी एमोस था जो भी आइजाया था जो भी दाऊद था लेकिन उनका जीवन मेरे लिए जोना के लिए जो कोई भी इस अंत के समय में जी रहे हैं हमारे लिए एक दृष्टांत और हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में दिया गया है क्यों क्योंकि बारहवीं पद में लिखा हुआ है इसलिए अगर जो किसी को लगता है कि वो खड़ा है तो वो जेवता का जीवन पढ़ ले वो एमोस का जीवन पढ़ ले वो यशया का भविष्यवाणी पढ़ ले वो इलाइजा का जीवन पढ़ ले वो दाऊद का जीवन पढ़ ले अगर किसी को लगता है खड़ा है वो व्यक्ति खड़ा है बिना पुराना नियम के सारे लोगों का जीवन को जाने तो वो गिर रहा है तो वो गिर रहा होगा और उसको मालूम भी नहीं है लेकिन कैसे उसको खुद कैसे पता चलेगा कि वो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है नो मेरी बेटी जब गिरती है उसको मालूम भी नहीं कि वो गिरने वाली है जिस तरीका से वो चल रही है मुझे मालूम है एकदम हॉरर शो है उसका च, च, कैसे वो चलती है एकदम हॉरर शो हम कभी कभी मन कर लो आँख बंद कर ले कभी गिरेगी वहाँ गिरेगी उसको मुझे मालूम है कि कभी भी गिर सकती है लेकिन उसको नहीं मालूम है बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है मसीहों का भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है बिना वचन को कुछ भी जाने मुश्किल से दो कदम सीधा चल पाते हैं तीसरा हफ्ता गिरते हैं ऐसा जीवन बिना और वचन को उतना जाने भी नहीं समझे भी नहीं लेकिन एप्सोलूट कॉन्फिडेंस की मैं मसीह में हूँ कि मैं मसीही हूं सब झूठा वेदी वाला झूठा तसल्ली उद्धार का चल रहा है उनका उद्धार पक्का वो अपना उद्धार को पक्का नहीं कर रहे अपना बुलाने बुलाए जाने को पक्का नहीं कर रहे हैं पढ़ नहीं रहे हैं सैमसन के बारे यूशू के बारे में मूसा बालम जेजिबल डेबोरा ये लोग के बारे पढ़ नहीं रहे हैं ये सब के बारे ये, लिखा हुआ है मेरे लिए कि मैं पढ़ूं और मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैं खड़ा हूं जिसको भी लगता है कि वो खड़ा है और इनको नहीं पढ़ा है गिर सकता है मतलब क्या मतलब लाइफ में दाऊद के बारे जानना मेरे लिए फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री जानने से ज्यादा लाभदायक है क्योंकि मैं संसार का हर एक किताब पढ़ सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं गिर रहा हूं या खड़ा हूं मसीह में लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है मैं खड़ा हूं या नहीं जब मैं भविष्यवाणियों को सुनता हूं बार बार तब मुझे वो, वो उंगली उठाने वाला भविष्यवाणी जब नथान उंगली उठाता है जब गाद वापस जाके बोलता है नहीं तुमको नहीं बनाना है जब गाउद जब गाद जाके दाऊद को बोलता है कि चुन लो कैसा जजमेंट तुम चाहते हो जब नथान वापस जाके बोलता है नहीं तुमको मंदिर नहीं बनाना है वैसा भविष्यवाणी वैसा जो पर्सनल है जो मेरे लाइफ के लिए जो से जुड़ा हुआ है जफ्ता के बारे में जानना आईटी में कोर्स पूरा करने से ज़्यादा जरूरी है एक विश्वासी के लिए यह नहीं कि आप आईटी या एम्स मत जाइए ज़रूर नो no प्रॉब्लम जाइए जोसा लेकिन जोसाया के बारे में भी जानिए डैनियल के बारे भी जानिए एक्सएल जाइए आई जाइए बट इब्राहिम के बारे में नहीं जाने तो बड़ा प्रॉब्लम दैट इज़ द प्रॉब्लम अगर ये सब जगह हम लोग जा रहे हैं अगर संसार में ठीक है फुकट रोज अगर आप करीम सिटी भी जाइए लेकिन आप जोसा के बारे में नहीं जान रहे हैं बिग प्रॉब्लम क्योंकि लाइफ में यू विल गेट मोर विजडम फ्रॉम इनॉक उसके जो थोड़ा कुछ पद लिखा हुआ है बाइबल में उसके जीवन के बारे और लूथ के जीवन के बारे जो लिखा हुआ है नूह के पुत्रों के बारे जो लिखा हुआ है दैन फ्रॉम यू नो इन मस्क का इंटरव्यू या बाईजू का ट्यूशन ऑल दिस या रवीश कुमार का पॉडकास्ट ये सब कुछ से ज्यादा यू विल लर्न फ्रॉम डैनियल प्रोफेसिज डैनियल के प्रोफेसी से आप सुन सीखेंगे आज तक न्यूज से ज्यादा रवीश कुमार से ज्यादा डैनियल के प्रोफेसी से हम समझेंगे क्या हो रहा है दुनिया में और जब आप निराश हैं और कंफर्ट चाहिए देर इज मोर कंफर्ट मोर मोटिवेशन प्रेरणा और भी ज्यादा है ये सब कुछ ज्यादा है और ज्यादा गहराई है पुराने नियम में ज्यादा है कम्पेयर टू नेटफ्लिक्स एंड एमेजोन प्राइम दैट इज वाई बाइबल में लिखा हुआ है एजिकील जैसा योना जैसा वचन को खाओ और चिबाओ इसीलिए हम लोग इनके बारे पढ़ते हैं और अपने और 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 चैलेंज हो जाते हैं और जांचते हैं कि खुद खड़े हैं कि नहीं यू नो यू हैव टू सी हाउ जेमा इट्स अ बोन कुत्ता लोगा के टिप्स लेगा उससे बेटी <laughs> वैसा खाती है हड्डी को वैसा बाइबल पढ़ना चाहिए इंटरेस्ट रहना चाहिए बिब्लिकल कैरेक्टर्स में तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है मैथ्स अच्छा मैथ्स में क्या पसंद है वॉट इज येट कैरेक्टर इन द बाइबल तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो नो नो वट इज येवरेट कैरेक्टर इन द बाइबल क्यों क्योंकि हम लोग ज्योति के संतान है हम लोग को ज्योति में चलना है हमें ज्योति में चलना है इसीलिए हम लोग बाइबल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं वो लोग का क्या परिस्थिति था उनका क्या परिवार था वो कौन सा देश से आए थे वो गिलाज से थे कि कहाँ से थे उनका याज उनके समय में याजक कौन था उनके समय में भविष्य वक्ता कौन था उनके ऊपर राजा कौन था उनके परिवार उनका माता पिता कौन थे वो कौन सा लोकेशन में रहते थे उन्होंने क्या क्या निर्णय लिया उन्होंने उनका सक्सेस क्या था उनका फेलियर क्या था जो भी बाइबल उनके बारे कहता है हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं क्यों हमें कोई भी झूठा कोई भी काम करके झूठा तसल्ली नहीं बनाना है अपना उद्धार के लिए जो वचन है वही है मेरे लिए वही मेरा उद्धार के लिए मुझे तसल्ली देगा परमेश्वर का वचन नॉट ये सब चीज सब पवित्र आत्मा ही देगा ये सब चीज सब नहीं देगा मुझे ये झूठा वेदी सब नहीं देगा न्यायों का दस का सत्रह और अठारह तब अमोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले और इसराइलियों ने भी इकट्ठे होकर मिसपा में अपने डेरे डाले तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अमोनियों से संग्राम आरंभ करेगा वह गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा अब गिलाद के जो प्राचीन थे और जो लीडर्स थे जो अगवे थे अब वो लोग कह रहे हैं कौन हमें डिलीवर करेगा कौन हमें डिलीवर करेगा कौन छुटकारा देगा ये जो प्राचीन थे ये जो आ, ये, ये जो अगवे थे ये अपने आप को रूलर ये अपने आप को गिलाद के हाकिम मान लिए थे लेकिन दुश्मन कहाँ है वर्ष 17 में लिखा हुआ है कि दुश्मन अपना बेस कैंप दुश्मन अपना बेस कैंप गिलाद के अंदर आके ऑलरेडी बना दिया है तुम लोग क्या के हाकिम हो तुम लोग क्या का लीडर्स क्या का अगुआ हो शैतान तो तुम्हारे अंदर आके अपना एक कैंप बैठा दिया है क्या फायदा अपने आप को अगवा बोल के क्या फायदा अपने आप को बोल के कि मैं ये करता हूं मैं वो करता हूं मैं इस तरीका से सेवा करता हूं मैं उस तरीका से सेवा करता हूं जब शैतान तुम्हारे अंदर अपना घर बना लिया है जब पाप से तुम हारे हुए हो कौन हम लोग से कौन हमें छुड़ाएगा ये पाप से लोगों ने इन लोगों को गिलाद के बाकी लोगों ने इन्हें लीडर बना लिया होगा कोई फायदा नहीं है ऐसा लीडरशिप का लोगों का लोगों का आपको पसंद करना लोगों का आपका चुन को आपको चुनना लोगों का आपका पसंद करना ये सब फॉल्स अश्योरेंस है लीडरशिप का ये सब अगवा बनने का एक झूठा तसल्ली है लोग ने एप्सलोम को चुना लोग एप्सलोम को बहुत पसंद करते थे हमारा सब्सक्रिप्शन कितना लोग हमें पसंद करते हैं क्या व्यूअरशिप है ये सब सब झूठा तसल्ली है का ये सब सब झूठा तसल्ली है परमेश्वर का चुनाव का ये सब कुछ भी नहीं बताता है वही लोग जो होजाना इन द हाइस्ट गाय अगला दिन क्रूसीफाई हिम बोले यीशु मसीह को मनो लोगों का मन चंचल है लेकिन हम उनके मन से जो हमें प्रसन्न और पत्नी के लिए वह चरवाही करते गार्डेडशीप पत्नी के लिए भेड़ बकरी को सुरक्षित रखना है हाउ मेनी पीपल आर लूजिंग देयर कॉलिंग क्योंकि उनको भेड़ बकरी और पत्नी चाहिए या भेड़ बकरी और पति चाहिए यह एक पति चाहिए जिसके पास ढेर सारा भेड़ बकरी है लूजिंग ट्वेंटी ईयर्स बीस साल तक चले जाओगे बंदवाई में और जब दूसरा व्यक्ति कहेगा कि वो आत्मा बचा रहा है प्रभु का काम आगे बढ़ रहा है तो आप बोलेंगे कि हाँ हमको भी एक नया आईफोन मिला है याकूब क्या बुलाहट था धोखा से आशीष लिए क्या हुआ धोखा का आशीष को क्या हुआ ये जो वेदी बनाई ये आशीष लिए क्या फायदा तुम बंधोई में हो बीस साल आस्क यहाँ पे you know, आप अपने आप से पूछिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ अपने आपके अंदर ये सवाल गूंजे कितने साल से आप बंधोई में कितना साल से आपका पाप आपको बंधन में रखा है या एक व्यक्ति आपने, आप एक व्यक्ति आपको बंधन में रखा है एक साल दो साल तीन साल पांच साल दस साल आप क्षमा नहीं कर पाए हैं शारीरिक अभिलाषा टूटा नहीं है पोर्नोग्राफी नहीं टूटा है मास्टरबेशन नहीं टूटा है परमेश्वर से पर, 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 परमेश्वर से छीनना परमेश्वर से चोरी करना टूटा नहीं है अगले महीना देंगे अगले साल से शुरू करेंगे अट्ठाईस दिन कब से चोर बैठे हुए हैं परमेश्वर के भवन में कितने सालों से लोग ये अलग अलग पाप के बंधन में मैंने तो बस कुछ पापों का नाम लिया कुछ पापों का नाम लिया कितना साल से लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं सब गुप्त पाप लेकिन बाहर में एक वेदी बना रहे हैं क्या फायदा तो ये इजराइल जो दिन रात भेड़ बकरी को बचाए रखता है हम कैसे अपना पैसा को बचाए रखे कैसे पैसा को बचाए रखे जो दिन रात अपना भेड़ बकरी को बचाए रखता है जो दिन रात सेवा करता है जो बंधन में है क्यों ताकि अंत में उसको एक पत्नी मिल जाए उसका छुटकारा कैसे होगा नेक्स्ट एक भविष्य एक वक्ता के द्वारा यह हुआ इसल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्य वक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई सिक्योरिटी चाहिए भविष्य वक्ता छुटकारा चाहिए भविष्य वक्ता i think it's 2nd chronicles 2020 if you can go there no 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 um, it's not 2nd chronicles 2020 yes 2nd chronicles 2020 sorry 2nd chronicles 2020 uska dusra हे यरूशलेम के निवासी मेरी सुनो अपने परमेश्वर ये पर विश्वास रखो तो तुम स्थिर रहोगे नबियों की प्रतिति करो तो तुम कितार्थ हो जाओगे वेदर इट इज जेकब या दैट इज द वे गॉड विल डिलीवर उस तरीका से परमेश्वर छुटकारा लाते हैं जब उनका वचन उनके प्रकाशनों उनके भविष्यवाणियों और उनके भविष्य वक्ताओं के हम आधीनता में आएंगे जो सच्चे हैं ऑब्वियसली पॉलूस ने कहा टिमथी डोंट बी अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल, डोंट बी अशेम्ड ऑफ मी सुसमाचार से मत लज्जित हो और मुझसे भी मत लज्जित हो ईशु ने कहा अगर वो तुमको ग्रहण कर रहे हैं तो वो मुझे भी ग्रहण किया यू कैनॉट सेपरेट वचन को एक आइडिया के रूप में कोई नहीं ले सकता है सिर्फ आपको से, आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे आप जब परमेश्वर का अभिषित वचन और सारे भविष्यवाणियों के नीचे अपने जीवन को अधीन करेंगे तब छुटकारा होगा फॉल्स ऑल्टर से छुटकारा नहीं मिलने वाला है लोग चाहे जितना भी ताली बजाए लोग चाहे जितना भी कहे कि आपका मिनिस्ट्री अच्छा है ये वो सब कोई भी चीज तसल्ली नहीं देता है आपको पवित्र आत्मा का सेवकाई के अधीन होना पड़ेगा जो आज भी भविष्य वक्ताओं को का अगुवाई करता है बातों करने में उंगली उठाने में आज मसीही लोग हारे हुए क्यों हैं? क्योंकि वो लोग एक पत्नी के लिए और भेड़ बकरी के लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं बस वो लोग अपना विवाह के लिए और भेड़ बकरी का दिन रात चिंता कर रहे हैं बस वो लोग सिर नहीं बने हैं क्योंकि वो लोग प्रतिज्ञा देश के बाहर में हैं हम जो मसीही हैं हम लोग अभी भी गिलाद के अगुए जैसे हैं जो एक्चुअली हम लोग के पास कोई ताकत नहीं है हम लोग अभी जो भी पर जो भी परमेश्वर की ये इच्छा था कि हाँ तुम सिर बनो लेकिन ये लोग अभी ये जो भी अपने को प्राचीन कह रहे हैं जो भी अपने आप को अगुए कह रहे हैं हाकिम कह रहे हैं ये लोग अभी भी बस नाम में हाकिम हैं लेकिन जय नहीं पाते हैं और हम भी जो मसीही लोग हैं चाहे हम लोग हस्बैंड्स हो फादर्स हो पास्टर्स हो, लोग एक्चुअली है, है परमेश्वर का वचन सब वो परमेश्वर ने अपना वचन को अपने नाम से भी ऊंचा रख दिया है उनके नाम में प्रार्थना करते हैं गाते हैं लेकिन मालूम यीशु मसीह का नाम के ऊपर क्या चीज ज्यादा ऊंचा है वो अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व क्या को दिया है वचन को लेकिन हमने वचन से भी ज्यादा महत्व दे दिया है विवाह को हमने वचन से भी ज्यादा महत्व दे दिया है भेड़ बकरी को हमने वचन से ज्यादा महत्व दे दिया है अपना घमंड को और हम झुकने के लिए तैयार नहीं रहते you know, याकूब के बारे एक बीस साल, बीस साल वो, वो बंधन में था ओके okay. उसके बाद वो भाग के निकलता है राइट right. वो किसका गुलाम था लबान का गुलाम था राइट right. आपको लगता है कि वो लबान का गुलाम था एक्चुअली वो लबान का गुलाम नहीं था आई विल शो यू द पॉइंट कब वो एक्चुअली सर बनता है जेनेसिस 35 बस 18 टू 19 तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने बेटे उस बेटे को नाम बेनूनी रखा ओके okay, ओके पर... okay, ये कौन है रेचल ही इज अ स्लेव ऑफ रेचल आई विल टेल यू व्हाई अभी तक वो एक बच्चा को नाम नहीं दिया है या तो लिया नाम दी है या तो रेचल नाम दिए एक बच्चा को वो नाम नहीं दिया अभी तक देयर इज नो अथॉरिटी इन हिज लाइफ उसका लाइफ में कोई अधिकार तक नहीं एक बच्चा इतना बच्चे हैं एक का नाम तुम दियो नहीं दियो पहली बार वो अपना पत्नी का वचन को काट के कह रहा है नहीं तुम्हारा यस yes, तुम्हारा लाइफ में सफरिंग है यस yes, तुम्हारा लाइफ में दुख है तुम तकलीफ हो तुम मरने वाली हो लेकिन फिर भी तुम्हारा मृत्यु का दर्द से भी ज्यादा ऊंचा परमेश्वर का वचन नॉट तुम्हारा मृत्यु का दर्द क्योंकि उसके मुंह से क्या निकला उसका भावना निकला मैं दुखी हूं मैं मर रही हूं मेरा दर्द और वो दुख और दर्द को का वचन को काटा उसका भावनाओं को काटा उसको कैद किया और परमेश्वर का प्रकाशन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर ने जो उसको अधिकारी के रूप में वहां रखा है उसको ऊंचा किया और प्रोफेसाई किया कि यह दर्दनाक नहीं कहलाया जाएगा ये ताकत कहलाया जाएगा बेनोनी नहीं बेंजामिन कहलाया जाएगा तब वो सिर बना रोमियो के एक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन्हें उनके डिजायर्स के हाथों में सौंप दिया लोग को उन्हीं के डिजायर्स के हाथों में सौंप दिया याकूब किसका कैदी था रेचल का कैदी था रेचल क्या थी उसकी डिजायर थी हम लोग अपने डिजायर्स में कैद हो जाते हैं और तब एक तो लबान एक डीमन आ जाता है लेकिन जब तक रेचल नहीं मरेगी जब तक हम लोग का डिजायर्स नहीं मरेगा तब तक हम लोग सिर नहीं बन पाएंगे हम लोग जयवंत नहीं होंगे तब तक हम लोग जयवंत नहीं होंगे तब तक नीति वचन का 28 का एक में लिखा हुआ है नीति वचन का 28 का एक में दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं कर रहा है तब तक भाग तब भी भागते रहता है ठीक है ईसो का डर से भाग रहा है लबान का डर से भाग रहा है या को कभी इससे भाग रहा है कभी उससे भाग रहा है भाग रहा है और ईसा तो खुश खुशी के साथ आ रहा है उसे मुलाकात करने के लिए कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है लबान भी उसको मार नहीं सकता है क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी उसका उपाय कर चुके हैं लबान से मुलाकात कर चुके हैं भाग रहा है 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 मसीही हम जो मसीही लोग हैं हम लोग दिन रात भागते रहते हैं दिन रात मत, भागते रहते हैं क्या मतलब हम लोग डर में जीते हैं हम लोग इनसिक्योरिटी में जीते हैं हम लोग डर में जीते हैं गरीबी का डर बीमारी का डर बच्चों का फ्यूचर का डर रेंट कैसे देंगे ये सब ये सारी चीजों का डर 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 ज, 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 या And क्या होता है वहां पे बेथल में सॉरी uh, वो रेचल रेचल मर जाती है राइट right? रेछल मर जाती है और वो लोग कहाँ जा रहे थे बेथलहम अफरात बेतलहम एफरात मतलब फलवंत बेथलहम मतलब रोटी का घर अगर आपको फलवंत होना है अगर आप चाहते हैं कि वचन रोटी का घर वचन आपके अंदर फलवंत हो तो डिजायर फलवंत नहीं होना है तब डिजायर को मरना पड़ेगा रेवलेशन और डिजायर परमेश्वर का प्रकाशन परमेश्वर का भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन और मेरा खुद का डिजायर दोनों फलवंत नहीं होगा आप चुन लीजिए चाहे तो आप वापस नदी पार करके जा सकते हैं और गिलाद में रह सकते हैं वहां प्रकाशन लेकिन नहीं मिलेगा वहां पे प्रकाशन फलवंत नहीं होगा वहां पे दर्शन फलवंत नहीं होगा वहां पे झूठा तसल्ली में जीना पड़ेगा लाइफ भर अपने आप को समझाते रहना पड़ेगा बार बार मैं भी मसी हूं अपने अंदर आप जलन ईर्षा क्रोध सब कुछ देखेंगे हर एक किस्म का शैतान का पाप शैतान के ऊंचे ऊंचे गढ़ अपने अंदर देखेंगे और संसारिकता का हर एक चाहत आप अपने अंदर देखेंगे शारीरिक चाहतों में आप जिएंगे परमेश्वर की इच्छा में नहीं जिएंगे लेकिन झूठा तसली बहुत शैतान आपको देगा दे बना दो वेदी डाल दो ऑफरिंग दे दो दशवा लेकिन वो नदी के उस पार पर दस का अठारह तो रेचल को मरने दीजिए बहुत खूबसूरत है मेरा जिंदगी उसके साथ बहुत खूबसूरत हो जाएगा भाड़ में जाए तो खूबसूरती बाहरी रूप जो शरीर का है वो बिगड़ते जा रहा है कब तक रखेंगे तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे कौन पुरुष अमोनियों से संग्राम आरंभ करेगा वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा अब फाइनली वो लोग अपना हेडशिप को सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए हैं अब गिलाद के जो प्राचीन थे वो लोग कह रहे हैं अब हम लोग किसी और को सिर बनाने के लिए तैयार हैं किसी और को वो लोग सब ढेर सारे डिजायर्स हैं हमारे अंदर लेकिन अब ये लोग सब एकजुट होकर बोल रहे हैं वी आर रेडी टू सरेंडर टू वन हेड एंड 11 का 4 से 10 और कुछ दिनों के बाद अमोनी इजराइल से लड़ने लगे जब अमोनी इजराइल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग यप्ता को तोप देश से ले आने को गए और यप्ता से कहा चल कर हमारा प्रधान हो जा कि हम अमोनियों से लड़े टिल वाज 10 यप्ता ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा क्या तुमने मुझ से बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल ना दिया था फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो गिलाद के वृद्ध लोगों ने यप्ता से कहा इस कारण हम तेरी अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चल कर अमोनियों से लड़े तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा यप्ता ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा यदि तुम मुझे अमोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहवा उन्हें मेरे हाथ कर दे तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा गिलात के वृद्ध लोगों ने यप्ता से कहा निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे यहवा हमारे और तेरे बीच इन वचनों के सुनने वाला हो हाँ उन्होंने बेवकूफ़ नहीं है वो जानता है कि यही लोगों ने यही वृद्ध लोगों ने यही गिलाद के लोगों ने मुझे बेदखल किया था घर से मुझे अपना कहने के लिए एक पैर रखने का स्थान नहीं दिया था मैं जंगलों में रह रहा था यथ था जंगलों में था दूसरा जगह में था बस क्योंकि इन्होंने उसे निकाल दिया था तो अब वो पूछता है ये तुम्हारा एक और फेक रिपेंटेंस है क्या जस्ट क्योंकि मैं तुम्हें मदद करूं, छुटकारा दूं, तुमको फिर से तुम रेस्टोरेशन मिल जाए तुमको चंगाई मिल जाए और तो फिर से तुम मुझे भेज दोगे बाहर, क्योंकि पाप तुम्हारे ऊपर अब प्रभुता कर दिया है तुम अंदर में तुमको खाया जा रहा है पाप नींद उड़ा दिया है पाप जिंदगी तबाह कर दिया है पाप तुमको मालूम नहीं है पाप का इतना नतीजा तुम अब देख रहे हो कि लाइफ इतना बुरा हो गया है नतीजा पाप का जब आ रहा है तो अब आ रहे हो मेरे पास बोल के कि प्रभु आप सिर हैं प्रभु आप सिर हैं आपका वचन सिर है मैं आपका प्रकाशन को ये प्रकाशन को ये ये भविष्यवाणी को मैं अपने लिए लेता हूँ मैं अलग होने के लिए तैयार हूँ मैं नदी पार करने के लिए तैयार हूँ मैं उस तरफ आने के लिए तैयार हूँ इसलिए कह रहे हो वॉट इफ ये युद्ध खत्म हो जाएगा प्रभु छुटकारा दे देंगे उसके बाद जब शांति आ जाएगा यह यथा पूछता है युद्ध के बाद उस समय भी मैं सिर रहूँगा क्या जब घटी हट जाएगा जब उन्नति वापस आ जाएगा तो जब मैं जब तुम्हारा रेस्टोरेशन हो जाएगा जब क्षमा हो जाएगा जब शुद्धिकरण हो जाएगा जब तुम रेस्टोर हो जाओगे उस समय भी मैं प्रभु रहूंगा क्या या बस अभी के लिए मैं प्रभु हूं बस अभी क्योंकि तुमको मेरा जरूरत है बस तुम्हारे आंसुओं में प्रभु है कि तुम्हारा हंसी में भी मैं प्रभु हूं बस गरीबी का परमेश्वर हूं या उन्नति का भी परमेश्वर हूं बस बीमारी का परमेश्वर हूं या चंगाई का भी सेहत का भी परमेश्वर हूं तब इन्होंने कहा agreed. दुख में में, सुख गरीबी में बीमारी में चंगाई में उन्नति में आप ही प्रभु रहेंगे आपका वचन के अनुसार चलेंगे यूजली बीमारी में कभी कभी वचन में चलना ज्यादा आसान होता है और सेहत में नहीं चलता है कितना लोग चंगाई पाए और उसके बाद एंजॉय कर रहे हैं संसार में कितना लोग को परमेश्वर ने कर्ज से निकाला और फिर लूत जैसा सोडम गोमरा में फिर से चल गया कितने लोगों को परमेश्वर ने मरा हुआ धर्म और मरे हुए कामों से निकाला पाप नहीं मरे हुए कामों से एक 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 एक, एक डेड रिलीजन है जहाँ पे कमिटी करप्शन दिस दैट किसीम किसीम का पॉलिटिक्स और किस्म किस्म का सब किस्म का पाप और, और वैसा किस्म का चीज सबसे निकाला और फिर वापस वो लोग चल गए जगह में मरा हुआ संगति में तो वहां पे यीशु मसीह पूछते हैं क्या तुम नदी बस कुछ समय के लिए पार कर रहे हो पिछले बार जैसे तुमने कुछ समय के लिए पार किया था ये इस बार कह रहे हो कि प्रभु आपके अधीनता में रहेंगे मैं अपना सिर झुका रूं अब से मैं सिर नहीं रहूंगा अब आप ही सिर रहेंगे अब मेरा डिजायर सिर नहीं रहेगा डिजायर हम लोग के ओल्ड रूलर्स हैं अब वो सब सिर नहीं रहेगा अब परमेश्वर का प्रकाशन सिर रहेगा परमेश्वर का यीशु मसीह का सच्चाई परमेश्वर के भविष्यवाणी ये सिर रहेगा अब ये चीज एक संडे या वेडनेसडे वाला फेक चीज नहीं रहेगा न्याय में लिखा हुआ है चौथा पद में कि युद्ध शुरू हो चुका था लेकिन परमेश्वर युद्ध में आप खुद शुरू नहीं हुए हैं क्यों वो रुके हुए हैं कि कब हम अपना हेडशिप को उनके चरणों में रख देंगे और कहेंगे प्रभु आप हेड हैं हम लोग भी याकूब जैसे अपने घर ही में गिर जाते हैं याकूब अपना घर में ही अपना हेडशिप को खो दिया था याकूब जहाँ पे फेक हो जाता है जहाँ पे वो दोहरा जिंदगी जीता है वो अपना ब्लेसिंग को खो देता है और वो बंधवाई में चल जाता है और उसके बाद शैतान हम लोग के साथ टेनिस खेलता है टेनिस बॉल एक तरफ भेड़ बकरी दूसरा तरफ पत्नी या पति इधर से मारो इसका चिंता इधर से मारो उसका चिंता वही चल रहा है परमेश्वर वैसा समय आने देंगे हम लोग की जिंदगी में जैसे इन वृद्ध लोगों की जिंदगी में आया जब फाइनली इन्होंने जिस व्यक्ति को जिस जिन चीजों को पहले बाहर कर दिया था जव्था को क्या कर दिया था बाहर कर दिया था तुम योग्य नहीं हो यहां पर रहने के लिए तुम्हारा कोई जगह नहीं है यहां पर असली ज्यव्था कौन है यीशु मसीह जिसको लोगों ने बाहर कर दिया था ना तो जन्म का स्थान दिया ना तो मृत्यु में उसको स्थान दिया आज भी हम लोग उनके प्रकाशनों के साथ ऐसे ही करते हैं उनके प्रकाशनों को एक कान से लाएंगे और दूसरा कान से निकाल देंगे लेकिन दिल में बसने के लिए स्थान नहीं देंगे क्योंकि दिल में जब वो आता है वो कह रहा है कि मैं राजा बनूंगा तुमको अलग होना पड़ेगा तुमको अपने डिजायर्स को मारना पड़ेगा तुम्हारे लाइफ में अलगाव आना पड़ेगा तुमको अपना घमंड को मारना पड़ेगा वचन में लिखा हुआ है एक जगह में कि लोग पूछेंगे कि एक भविष्य को एक, एक व्यक्ति को पूछेंगे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे शरीर पे ये क्या घाव है इट्स अ मेसियानिक प्रोफेसी और कहा जाएगा कि ये तो वो घाव है जो मैंने अपने मित्रों के घर में पाया परमेश्वर का वचन सबसे ज्यादा मार कहाँ खाता है नहीं घर में, मित्रों के घर में बार बार लोग बोलते हैं ठोकर लग रहा है ठोकर लग रहा है ठोकर लग रहा है सबसे ज्यादा परमेश्वर का प्रकाशन परमेश्वर की सच्चाई कहां पे मार खाता है हमारे चर्चेज में चर्चेज में पास्टर्स के थ्रू हस्बैंड्स के थ्रू वाइफ्स के थ्रू क्रिश्चियन फादर्स मदर्स और बच्चों के थ्रू क्योंकि हम लोग अपना सिर झुकाना नहीं चाहते हैं परमेश्वर के प्रकाशन के सामने यीशु मसीह के सामने जिस तरीका से उनको उस समय ट्रीट कर रहे थे अभी भी वैसे ही यहां तक कि लव की कलीसिया में यीशु मसीह फाइनली बाहर में है और खटखटा रहे हैं अंदर नहीं है वो बाहर में है खटखटा रहे हैं, मतलब बाहर में फाइनली बाहर कर दिया गया है जफ्टा को बाहर कर दिया गया था लूक का चैप्टर 7 वाज 44 टू 45 और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने सेमोन से कहा क्या तू इस, इस स्त्री को देखता है मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोछा है तुमने मुझे चूमा ना दिया पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पाओ को चूमना ना छोड़ा यू सी ये अपना सिर के साथ क्या की उसके पैर पर पे डाल दी ये अपने बाल अपना महिमा के साथ क्या की उसके पैर उसके चरणों में डाल दी वो क्या को चूम रही है यीशु मसीह के पैरों को चूम रही है पहली बार जब याकूब रिचल को देखा क्या किया अपना उसको चूमा वो We love our desires, but वी लव आर डिजायर्स बट यहाँ पे भी सी डिजायर्स के आभार में हमको यीशु मसीह का पैर चाहिए घमंड नीचे अपना महिमा नीचे सब कुछ नीचे यीशु मसीह के पैरों के पास हमें सीखना चाहिए इस तरीका से नया नियम में हम लोग अपना हेडशिप परमेश्वर को देते हैं और कहते हैं कि प्रभु बस आपके पैर के पास रहेंगे आपके पास गद्दी के बगल में भी नहीं बैठेंगे क्योंकि जो लोग गद्दी के बगल में यीशु मसीह के बगल में बैठे हुए थे गद्दी पे मसीह के बगल में बैठे थे और वो लोग इस दोषी ठहरा रहे थे उनको दोषी ठहराया गया और जो यीशु मसीह के चरणों में थी उसे दोष मुक्त कर दिया गया क्योंकि वो लोग वो वृद्ध लोग जो यीशु मसीह के बगल में बैठे हुए थे उन्होंने अपना वो जो इजराइल के फरीसी लोग थे उन्होंने अपना हेडशिप यीशु मसीह को नहीं दिया प्रकाशित वाक्य का 4 का 10 से 11 तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो योगाना योग जीविता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने या कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है क्योंकि तू ही ने सब वस्तु सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई हाँ यहाँ पे स्वर्ग के प्राचीन लोगों को देखिए वो क्या करते हैं झुकते हैं दंडवत करते हैं और अपना मुकुट उसको भी यीशु मसीह के चरणों में डाल देते हैं और कहते हैं तू ही योग्य है तू ही योग्य है अगर यू नो you know, अगर हमें वैसा रहना है इफ वी वांट कि स्वर्ग में लॉर्ड आई वांट टू मैं चाहता हूं कि मेरा फ्यूचर स्वर्ग में वैसा हो कि मैं स्वर्ग में एक छोटा व्यक्ति नहीं रहूं मैं स्वर्ग में एक बड़ा व्यक्ति रहूं स्वर्ग में मुकुट रहे स्वर्ग में मैं प्राचीन में गिना जाऊं स्वर्ग में मैं एक राजा में गिना जाऊं आपके एक राजाओं में मैं गिना जाऊं तो प्रभु बोलते हैं तो ऐसा तुम यहां पृथ्वी में रहो जब हम लोग ऐसा पृथ्वी में रहेंगे तो स्वर्ग में हम वैसा रह पाएंगे पृथ्वी पे कोई भी फेक मुकुट लोगों का चुनने का लोगों का तालियों का लोगों का लाइक्स और सब्सक्राइबर्स यहां पे नहीं चाहिए स्वर्ग में चाहिए पृथ्वी पे लोग स्टीफेन को Stephen का सिर के लिए पत्थर फेंक रहे थे कुचल रहे थे उसके सिर को स्वर्ग में इशु मसी खड़े हो गए हैं उसको ग्रहण करने के लिए स्वर्ग खड़ा हो गया है उसको ग्रहण करने के लिए पृथ्वी में जीरो सब्सक्राइबर्स ओनली पत्थर स्टोन नॉट सब्सक्राइबर्स ताली नहीं बस उंगली और पत्थर स्वर्ग में ग्रहण कर रहे हैं लोग इन उसको ही विल बी वन ऑफ दोज वो परमेश्वर का प्रकाशन के अधीन अपना सिर को झुका दिया परमेश्वर के प्रकाशनों के अधीन अपना सिर को वो झुका दिया वो झुक गया वो झुक गया दैट इज वॉट गॉड वॉन्ट्स फ्रॉम अस कि हम लोग उनके सामने झुके कि हम लोग अपना हेडशेप अपना डिजायर्स छोड़ दें चाहे क्राउन्स भी मिला है उसको भी और अभी भी जो भी हम लोग को लगता है हम लोग का क्राउन वो सब कुछ फेक है हम लोग को लग रहा है वो क्राउन है वही तो शैतान का धोखा है ये सब सब फेक ऑल्टर्स है फेक तसल्ली है कुछ क्राउन नहीं है अभी न्याय के बाद ही पता चलेगा बहुत लोग जिनको लग रहा है मुझे तो पच्चीस क्राउन मिलने वाले जलते जलते वे पहुंचे गए इसलिए समय के पहले कोई चीज का न्याय मत कीजिए ताकि झूठा तसल्ली नहीं मिला लेट्स बी लाइक दिस पीपल जो लोग अपना सिर को झुकाए परमेश्वर के सामने लेट्स प्रे पिता परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं हमें मदद कीजिए कि लॉर्ड समय के पहले न्याय नहीं करने का खुद को झूठा तसली नहीं देने के लिए लॉर्ड हमें मदद कीजिए लॉर्ड अपना ये डिजायर्स के बंधन से हमें छुड़ाइए प्रभु डिजायर्स का बंधन को तोड़िए प्रभु एंड जब प्रभु आप हमारे हेड होंगे तब सच में लॉर्ड हम खुद जयवंत होंगे एंड तब हम लोग लीड कर पाएंगे प्रभु तभी हम लीडर्स बन पाएंगे तभी हम जयवंत बन पाएंगे जब आप हमारे हेड बनेंगे प्रभु जब हम अपना सिर आपके पैरों के पास रख के छोड़ेंगे प्रभु जब अपना महिमा आपके चरणों में छोड़ेंगे प्रभु हमें मदद कीजिए प्रभु और आपका वचन हमारे अंदर काम करता जाए आपका लहु को हर एक पिछड़कते हैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं अमेन गॉड ब्लेस यू Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. While thou art calling, do not pass me by. Save